नमस्कार, स्वागत है आपका भिलवाड़ा हलचल में। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा शर्मा। रुक करते हैं आज की कई खास खबरों की ओर। पूर्व शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी ने कहा कि सरकार ने कर्मचारियों पर अघोषित आपातकाल लगा दिया है। उन्होंने कहा कि आरएसएस एक सामाजिक संगठन है, लेकिन उसमें शामिल होने पर रोक लगा दी गई है, जो अवैधानिक है। देवनानी आज सेठ मुरलीधर कन्या महाविद्यालय भिलवाड़ा में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने सरकार के इस कदम की निंदा करते हुए कहा कि सरकार का आरएसएस पर एक फोबिया छाया हुआ है, जो अपनी नाकामी को छिपाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने इस तरह सरकारी कर्मचारियों में भय और डर पैदा करने का प्रयास है। उन्होंने इस अवसर पर छात्राओं को शपथ भी दिलवाई। शपथ ग्रहण समारोह में राजकुमार आंचलिया, प्रशांत मेवाड़ा, नंदलाल गुजर और कॉलेज प्राचार्य व स्टाफ मौजूद रहा। पूरी तरह से नकारा, दिशाहीन और विकास के नाम पर लोगों को केवल बरगलाने जैसा पूरा विकास के काम ठप पड़े, ये पूरी सरकार असफल रही है। जितनी घोषणाएं विधानसभा के बजट में की, उसकी पूर्ति नहीं की। नई नियुक्तियों के बारे में, शिक्षा के बारे में उन्होंने कहा 21,000 निकलेंगी, लेकिन उसके बाद आज तक कोई विज्ञप्ति तक नहीं आई। पूरे साल भर के अंदर शिक्षा तो क्या, बाकी क्षेत्रों में हमारे बेरोजगार युवकों को ठगते रहे, किसानों को किसी प्रकार की कोई उन्होंने राहत नहीं दी। इधर केंद्र की योजनाओं को भी राजस्थान के अंदर लागू करने में ये भ्रमित करती रही, और जो सवर्ण जिसके वो आरक्षण का श्रेय लेना चाह रही है। महंगे प्याज की मार से परेशान लोगों को अब आटा, दाल व तेल ने भी रुलाना शुरू कर दिया है। दालों में ही 10 से 25 रुपए किलो प्रति किलो तक की बढ़ोतरी हो गई है। ऐसे में लोगों के घर का बजट गड़बड़ाता नजर आ रहा है। पिछले एक माह से खाने पीने की चीजों की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि हुई है। इसके चलते लोगों को अब खाने पीने की चीजों में कटौती करनी पड़ रही है। प्याज के आसमान छू रही कीमतों से लोगों पहले ही त्रस्त है, और प्याज अब दर्शन करने लायक रह गया है। आम आदमी का साधन, बाइक के लिए पेट्रोल पिछले कुछ समय से 5 रुपए से अधिक महंगा हुआ है। डीजल की कीमतों में भी उछाल आया है। दालें, उड़द दाल अभी 105 रुपए किलो है, उड़द मोगर 115 रुपए किलो है, मूंग का मोगर है 95 रुपए किलो, और मूंग दाल 90 रुपए किलो, और दालें भी क्या है, पहले पिछले एक डेढ़ महीने से करीब 10-15 रुपए किलो की बढ़ोतरी आ गई है। जो दाल इस समय चलती है उड़द दाल जैसे, उसमें विशेष कर आम आदमी के काम आने वाली मेन सबसे इम्पोर्टेंट चीज है दाल, उसी के भाव बढ़ रहे हैं। पिछले एक महीने में लगभग 20 से 30 रुपए बढ़ चुके हैं। अब इतनी प्रॉब्लम हो गई है। हरी सब्जी तो देखो चलो महंगी है, हमको पता है कि हरी सब्जी नहीं ले सकते। सबसे इम्पोर्टेंट है दाल, वो भी सबसे महंगी है। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी जिनके हाथों में ये है कि हाँ कम कर सकते। शिक्षा जगत के साथ ही पूर्व शिक्षा मंत्री रहे वासुदेव देवनानी की मौजूदगी में कई लोग जूते पहने ही मां सरस्वती की पूजा में शामिल हुए, जिसकी खास चर्चा रही सेठ मुरलीधर मानसिंह कन्या महाविद्यालय में। छात्र संघ शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत में सरस्वती की पूजा की गई। इस दौरान भाजपा नेता और शिक्षक जूते ही पहने रहे, लेकिन जब ध्यान आया तो भाजपा जिलाध्यक्ष लक्ष्मी नारायण डार ने अपनी जूतियां उतार दी। महाविद्यालय के प्राचार्य ने जूते पहने हुए ही मां सरस्वती की पूजा की। प्लास्टिक मुक्त भारत अभियान के तहत रोडवेज बस स्टैंड पर बॉटल रिसाइकलिंग मशीन लगाई गई। इस मशीन में पानी की खाली बॉटलें डाली जाएगी, जो रिसाइकल की जाएगी। उसके प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से बॉटल मशीन में डालने पर एक डिस्काउंट कूपन दिया जाएगा। रोडवेज बस स्टैंड पर आज हिंदुस्तान जिंक के सामाजिक सरोकार के तहत लगाई गई रिसाइकल मशीन का जिला कलेक्टर राजेंद्र भट्ट, सेवानिवृत्त जज दीपक माहेश्वरी, प्रदूषण नियंत्रण मंडल के क्षेत्रीय अधिकारी महावीर मेहता व रोडवेज प्रबंधक राकेश सारस्वत दादी ने उद्घाटन किया।
होमगार्ड दिवस को लेकर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। चित्तौड़गढ़ में 1 से 6 दिसंबर तक होमगार्ड दिवस मनाया जा रहा है। 1 तारीख से होमगार्ड दिवस को लेकर कई आयोजन आयोजित किए, सड़क सुरक्षा रैली, पौधारोपण, खेलकूद प्रतियोगिताएं आयोजित हुई। इसी क्रम में चित्तौड़गढ़ के सामर्य चिकित्सालय में होमगार्ड के जवानों ने रक्तदान भी किया। इस रक्तदान शिविर में होमगार्ड के जवानों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया तथा रक्तदान किया। 6 दिसंबर को होमगार्ड दिवस मनाया जाएगा। इस दौरान झंडारोहण के साथ ही कई आयोजन आयोजित होंगे। जय छत्रानी सेना की ओर से कलेक्टर को ज्ञापन सौंप कर दुष्कर्मियों को फांसी या अन्य तरीके से मृत्युदंड देने की मांग की गई। जानकारी के अनुसार महिला डॉक्टर व नाबालिग की दुष्कर्म के बाद हत्या की घटनाओं के विरोध में जय छत्रानी सेना की संरक्षण प्रतिभा चुंडावत के नेतृत्व में महिलाओं व किशोरियों के कलेक्टर को ज्ञापन सौंप कर आरोपियों को फांसी या अन्य तरीके से मृत्युदंड देने की मांग की। ज्ञापन में कहा गया कि दुष्कर्म के आरोपियों को 2 दिन में ही फांसी या मृत्युदंड का प्रावधान लागू होना चाहिए ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। इससे पूरे पूर्व रेलवे स्टेशन से कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली गई। सूचना केंद्र चौराहे पर हैदराबाद में जो पीड़िता के साथ अपराध हुआ है उसको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ सब एकत्रित हुआ है और हम सभी साउंड एसोसिएशन के सदस्यों की ये मांग है भारत सरकार से, ऐसे आरोपियों को जल्द से जल्द फांसी की सजा दी जाए जिससे ऐसे अपराध भारत में कम हो। और अगर ऐसे अपराध अगर सजा कम नहीं होगी तो आज ही खुलेआम ऐसे अपराध ज्यादा से ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन। हम सभी साउंड एसोसिएशन सदस्यों की यही मांग है ऐसे अपराधियों को जल्द से जल्द फांसी की सजा। गुलाबपुरा रेलवे स्टेशन पर बुधवार रात ट्रेन से कटकर एक किशोरी की मौत हो गई। शव की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस ने शव कब्जे में कर पहचान के प्रयास शुरू कर दिए हैं। गुलाबपुरा पुलिस ने बताया कि अजमेर से भिलवाड़ा की ओर जाने वाली ट्रेन से बुधवार रात 15 वर्षीय एक किशोरी कट गई, उसकी मौके पर ही मौत हो गई। स्टेशन से मिली सूचना पर गुलाबपुरा थाने से सब इंस्पेक्टर गोवर्धन लाल मैं जाप्ता मौके पर पहुंचे। पुलिस ने मृतक के पहने कपड़ों की तलाशी ली लेकिन उसके पास पहचान संबंधित कोई दस्तावेज नहीं मिले। पुलिस का कहना है कि किशोर लोअर चेक शर्ट और मेहरून रंग का स्वेटर पहने हैं। जिले में एक किसान की कुएं में गिरने से जबकि दूसरे की फसल में कीटनाशक दवा छिड़कने के दौरान जहरीले गैस श्वास के जरिए शरीर में प्रवेश करने से मौत हो गई। सदर थाने के सहायक उप निरीक्षक राजमल ने बताया कि सुवाना निवासी अंबालाल पशुओं को पानी पिलाने घर के पास ही स्थित अपने कुएं पर गया जहां पशुओं को पानी पिलाने के दौरान अंबालाल कुएं में जा गिरा। हादसे में उसकी मौत हो गई। परिजन और ग्रामीणों ने अंबालाल को कुएं से निकाला और शव को बाड़े में रखते हुए पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और शव कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए शव गृह भिजवा दिया। पति की मौत के बाद तेलुपोष घर में जैसे तैसे जीवन यापन कर रही 70 वर्षीय कस्तूरी तेली पर उस वक्त कुदरत से गहर बर्फ पड़ा जब वह घर से बाहर थी और अचानक लगी आग से घर में उसमें रखे सामान व दस्तावेज जलकर राख हो गए। इस घटना से ग्रामीणों में अफरा तफरी मच गई। बाद में अथक प्रयास कर ग्रामीणों ने आग पर काबू पा लिया। घटना गंगापुर थाने के पोटला गांव में गुरुवार सुबह हुई। विशिष्ट न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट नंबर 2 ने ईट भट्टे पर नाबालिग से दुष्कर्म के प्रयास करने के आरोपी को 1 साल के कारावास व 2200 रुपए के जुर्माने से दंडित किया। प्रकरण के अनुसार पीड़िता के पिता ने 21 मई 2016 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह आसिन के एक ईट भट्टे पर काम करता है। 20 मई 2016 को उसकी नाबालिग बेटी रात 11 बजे चाय का भगोना लेने जा रही थी। इसी दौरान वहीं काम करने वाले पिंडारण पुलिस थाना क्षेत्र के मरका निवासी राजकुमार ने उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया।
कस्बे में तेजाजी महाराज मंदिर प्रांगण में बुधवार रात्रि को एक शाम वीर तेजाजी महाराज के नाम विशाल भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें भजन गायक कलाकारों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दी। आयोजन कर्ताओं ने बताया कि तेजाजी चौक में एक शाम वीर तेजाजी महाराज के नाम विशाल भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें गायक कलाकार बालकिशन चौधरी, सापुरानी गणपति वंदना व गुरु वंदना के साथ भजन संध्या की शुरुआत की। वहीं अन्य कई कलाकारों ने भी अपने अपने भजनों की प्रस्तुतियां दी। इस दौरान नृत्यांगना मुस्कान टॉक ने अपने नृत्य से सबका मन मोह लिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आगे की खबरों के लिए देखते रहिए भिलवाड़ा हलचल। नमस्कार।